कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीही यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई देते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीही यीशु में हुआ। उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीही बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम्हें से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। मैंने स्तिपनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीही ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान? कहां रहा शास्त्री? कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को
वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। अध्याय 2। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थर थराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमारे संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अध्याय 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति
अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम चल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा। परंतु चलते चलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या पुलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीही के हो और मसीही परमेश्वर का। अध्याय 4। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं
और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसीलिए कि मसीही यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वो तुम्हें मसीही में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। कितने तो ऐसे भूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? अध्याय 5। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अध्याय 6। क्या तुम में से किसी को यह हियाब है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है,
तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अध्याय 7। उन बातों के विषय जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूं कि वो अनुमति है ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हरेक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूं। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वो उसे ना छोड़े। जिस
स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वो पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिला के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। पर जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। और मैं सब क्लीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। कुवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले। क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं, सो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन ना हो वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुमारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वो अच्छा करता है। सो जो अपनी कुमारी का ब्याह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे
तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। अध्याय 8। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। सबको ये ज्ञान नहीं है, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई नाश हो जाएगा, जिसके लिए मसीह मरा भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से। तुम मसीह का अपराध करते हो, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। अध्याय 9। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को, जो हमारा प्रभु है, नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गृह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। तो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। हम सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी
कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है, सो मेरी कौन सी मजदूरी है ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं। यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु वे ठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अध्याय 10। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीही था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ठेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए, ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा।
कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इसराइली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की। जो कुछ कसाईयों के यहां बिकता है वो खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूरत की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। अध्याय 11। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उधाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हां, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम अपने आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सुहाता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है,
परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जाने कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्योंकि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से तो सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। अध्याय 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यद्वाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना,
परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्य द्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अध्याय 13। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यद्वाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यद्वाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यद्वाणी अधूरी।
परंतु जब स्वर्ग सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अध्याय 14। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्य द्वाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यद्वाणी करो, क्योंकि यदि अन्याय भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यद्वाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यद्वाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्ववासियों के लिए नहीं परंतु अविश्ववासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यद्वाणी अविश्ववासियों के लिए नहीं परंतु विश्ववासियों के लिए चिन्ह है।
सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्यान्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यद्वाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हरेक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्य वक्ताओं में से दो व तीन बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु आधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य द्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई ना जाने तो ना जाने। सो हे भाइयों, भविष्य द्वाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। अध्याय 15। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाढ़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब बारहों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे अब तक विद्यमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूं चाहे वो हूं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया।
सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि परमेश्वर ने मसीह को नहीं जिलाया और यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। परन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीही मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीही में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सहू जो हमारे मसीह यीशु में से तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफुसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वो ये देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। पर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारा गणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है
और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अध्याय 16। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे, और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर तो जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहां काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता। परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा, परंतु मैं पेंतिकुस तक इफुसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वो तुम्हारे यहां निडर रहे, क्योंकि वो मेरी नाई प्रभु का काम करता है, इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वो भाइयों के साथ आए। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा ना की, पर जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। और मैं स्तिफनास और फर्तूनातुस और अखाइकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी खटी पूरी की है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है। इसलिए ऐसों को मानो
आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसियों का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन।